बॉलीवुड सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म का ट्रेलर दुल्हन गंगा पार के इन दिनों खूब चर्चाओं में है। चर्चा का कारण है खेसारी की बेटी कीर्ति की यह पहली फिल्म है और भोजपुरी फिल्म में वो पहली बार काम कर रही है अपने पिता के साथ। इस फिल्म के क्लाइमेक्स से जुड़ी हुई एक वाकया हम आपको सुनाते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ गुंडे खेसारी पर हमला कर देते हैं, साथ में कीर्ति भी होती है। कीर्ति उस हमले में बेहोश हो जाती है। जब खेसारी ये देखते हैं कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। कीर्ति को अपने गोद में उठाकर खेसारी सीधे फिल्म के विलन के घर पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि जब खेसारी अपने गोद में कीर्ति को उठाकर दौड़ते हुए विलन के घर जाते हैं तो खेसारी फूट फूट कर रोने लगते हैं। जब लोगों ने खेसारी से उनके रोने का कारण पूछा तो खेसारी ने बताया कि आज से पहले कीर्ति को इस तरह वो कभी उठाकर नहीं दौड़े हैं जिस तरह से आज वो फिल्म में दौड़े हैं। वैसे एक पिता के लिए अपने बच्चों को लेकर ऐसे भाव आते ही हैं। अगर बच्चे तकलीफ में हैं तो पिता का दिल पसीज ही जाता है। फिर तो ये खेसारी की बेटी कीर्ति की बात है। खेसारी अपनी बेटी को लेकर बहुत ही पजेसिव और बहुत ही प्रोटेक्टिव फादर है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।